once again in DSS online classes. This is Chaman Singh and today we shall study Civics Chapter 10, that is Law and Social Justice. Students, in this chapter we shall clear about the laws and order which are governed by the Constitution and which is upheld in our society. So, we shall clear. Now, come to the introduction. Student, as you know, we are an important part of the society where we can see different types of activities in terms of development. Agar hum baat kare, hum samaj ke hisse hone ke nate, hum samaj mein tamam tarah ki cheezon ko dekhte hain, chahe wo vikas se sambandhit cheeze ho, chahe wo vibhinn prakar ki industries ho ya koi sanstha. Student, you know, especially in private sectors, we can see different types of activities where most people directly or indirectly involved. अर्थात हम समाज में तमाम तरह की चीज़ों को देखते हैं जिसमें समाज के लोग चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन तमाम तरह की संस्थाओं में इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं. एंड इन प्रीवियस क्लास यू स्टडीड अबाउट द मेकिंग ऑफ क्लोज इन द चेन ऑफ मार्केट्स वेयर यू स्टडीड अबाउट द प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्टर्स कंज्यूमर्स एक्सेट्रा. सो हाउ does this system work? We shall clear about it. Now, the farmers grow cotton, which is taken by the weavers, and weaver convert the cotton into the garments. After converting the garment, weaver sell it to the exporting factories, and exporting factories now convert the garment into the ready-made clothes and sell it to the markets. But in all the process, we can see the exploitation in many times, which is seen in the market. लेकिन कई बार इस प्रकार के जो chain of market में हम तमाम तरह के exploitations को भी अर्थात उत्पीड़न को भी देखते हैं. अमीर द्वारा गरीब को या किसी बिजनेसमैन द्वारा अपने वर्कर्स के साथ ना कंपनो एक्सप्लॉइटेशंस अकर्स विथ वर्कर्स कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. और ये जो एक्सप्लॉइटेशन होता है या तो वो किसी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर के साथ होता है या कंज्यूमर्स के साथ होता है या प्रोड्यूसर्स के साथ होता है. तो हम इनके बारे में समझेंगे कि गवर्नमेंट कैसे इनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करती है, इसके बारे में हम कंट्रो. टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच कंडीशंस गवर्नमेंट मेक्स मेनी लॉज. अर्थात चाहे वो वर्कर्स हो, कंज्यूमर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, इनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो कई सारे स्टेप्स इम्प्लीमेंट करती है जो कि आपके सामने दिए गए हैं. एग्जाम्पल के लिए इन लॉज, इफ अ वर्कर वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनीज और फैक्ट्रीज गेट वेरी लो वेजेज. अर्थात किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाला या कोई भी निजी संस्थान है वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो निजी संस्थान अपने हिसाब से उसको मजदूरी निश्चित करती है जो कि बहुत ही कम होता है. बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की तो यहाँ पर उनको बहुत कम वेज मिलता है. वाइल कंपनी ओनर गेट लॉट्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी. अर्थात दूसरी ओर जो कंपनी है वो अपने वर्कर्स को लो वेज देते हुए और कंपनी में काम करते हुए कंपनी से काम लेते हुए बहुत अधिक प्रॉफिट भी कमाती है. लेकिन उसके प्रॉफिट के मुकाबले जो लेबर की जो वेज होती है बहुत ही कम होती है जो कि अनफेयर होता है. सो इन लॉज इट इज इलीगल और रॉन्ग टू डेनी वर्कर्स देयर वेजेस. इसलिए कानून के अकॉर्डिंग ये बहुत ही गलत है कि आप किसी मजदूर की जो उचित मजदूरी है उसे वो ना दिए जाए. एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, इफ ए वर्कर वर्क्स डेली 8 hours सो ही शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑन डेली वेजेस. इसलिए उस मजदूर को डेली वेज के अकॉर्डिंग उसको मजदूरी देनी चाहिए. मान लीजिए कि
एक दिन में 500 के बराबर की मजदूरी करता है किसी भी फैक्ट्री में, यानी उसका जो काम है 8 घंटे में 500 उसकी मजदूरी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट जो ओनर्स होते हैं उसको 200-300 रुपये दे करके उसको काम करने के लिए मजबूर करते हैं। तो ऐसी अनफेयर कंडीशन में गवर्नमेंट का जो रोल होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो गवर्नमेंट गिव देम फेयर वेजेस, इनिशिएटेड अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस एंड रिवाइज्ड इट एवरी इयर्स। अर्थात सरकार क्या करती है कि एक नियम बनाती है जिसके माध्यम से वो प्रत्येक मजदूर की जो प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है उसकी निश्चित मजदूरी तय करती है, और उस निश्चित मजदूरी को उससे कम मजदूरी प्राइवेट ओनर्स उसे नहीं दे सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो मजदूर क्लेम कर सकता है कोर्ट में अपने ओनर के अगेंस्ट। और साथ ही साथ जो मिनिमम वेज है पर ईयर या कुछ ईयर के बाद उसको रिवाइज भी किया जाता है, जिससे कि मजदूरों की जो मजदूरी है वो फिक्स ना कर दी जाए बल्कि हर साल 2-4 साल में वो इंक्रीज होती रहे। सो गवर्नमेंट लॉज नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट द मिनिमम वेजेस बट आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स इन द मार्केट्स। अर्थात सरकार केवल मजदूरों की मजदूरी को ही नहीं ध्यान में रखती है बल्कि वो साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं उनके भी हितों की रक्षा करती है, यानी उनके उनका भी ख्याल रखती है जिससे कि उनके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एंड फॉर दिस वी कैन सी दिस रूल्स हैव 3 पार्टीज लाइक वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। और सरकार के द्वारा बनाए गए जो रूल्स हैं उसमें इन तीनों का लाभ होता है जो चेन ऑफ मार्केट्स में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो कोई वर्कर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर्स हो या प्रोड्यूसर्स हो। अर्थात किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो या किसी फैक्ट्री का बना सामान खरीदने वाला ग्राहक हो या उस फैक्ट्री में सामान को उत्पादन करने वाला, इन तीनों को का ख्याल रखा जाता है गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट इज नॉट एनफ द गवर्नमेंट मेक्स रूल ओनली बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर और इन्फोर्स सच रूल इन अ प्रॉपर मैनर। अर्थात सरकार द्वारा सिर्फ नियम बना देना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसका एक्चुअल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होना। अर्थात जो भी सरकार कानून बनाती है, कई बार क्या होता है कि कानून बन जाते हैं लेकिन वो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं और उस जो मालिक है उसका नजायज फायदा उठाते हैं। तो सरकार का ये ड्यूटी है कि रूल बनाने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट कराए, उसको लागू भी कराए और स्ट्रिक्टली उस पर अपनी नज़र भी बनाए रखे। एंड हियर आर सम एग्जांपल्स, सो व्हाट गवर्नमेंट डज आफ्टर मेकिंग द लॉज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्कर्स और एनी अदर इंडिविजुअल्स, इट इज टू इंश्योर फेयर वेजेस फॉर एवरी वर्कर्स। अर्थात गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले इंश्योर करती है कि जो प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं उन सबको एक्चुअल या प्रॉपर मजदूरी दी जा रही है कि नहीं। गवर्नमेंट आल्सो इंस्पेक्ट द वर्किंग साइट रेगुलरली। अर्थात गवर्नमेंट सरकार इसके साथ साथ जो प्राइवेट फैक्ट्रीज के वर्किंग साइट्स हैं उसको भी ख्याल रखती है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद वर्कर्स। सो इफ एनी प्रॉब्लम वर्कर्स विद द वर्कर्स, नाउ गवर्नमेंट पनिश द फैक्ट्री ओनर्स इफ दे वायलेट द लॉज। अर्थात अगर कोई मालिक वर्कर के साथ फेयरली बिहेव नहीं करता है, उसको फेयर वेज नहीं देता है, तो उसको सरकार द्वारा पनिश भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉज। नाउ सम टाइम वी आल्सो सी दैट वर्कर्स ऑलवेज लिव इन फियर फॉर लॉसिंग देयर जॉब्स इन फ्यूचर बाय द फैक्ट्री ओनर्स
so they were helpless to work in the same factory on very low wages to survive their life. अर्थात इन फैक्ट्रीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लॉज बनने के बाद कई बार क्या होता है कि मजदूर इस डर से कहीं कि जॉब न चली जाए, जो इनको मजदूरी मिल रही है वो भी ना उनसे छूट जाए, उनका भविष्य बेकार हो जाए, इसलिए वो अपने मालिक के द्वारा जो कम मजदूरी दी जाती है उसमें भी वो अपना परिवार चलाने के लिए विवश होते हैं। तो ये सरकार की ड्यूटी है कि उस पर वो नज़र बनाए रखे। हाउ सो इन सच केस द गवर्नमेंट रूल्स बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी। नाउ थ्रू लॉस गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट फैक्ट्रीज और प्राइवेट कंपनीज एंड मेनी लॉज आर अप्लाइड विच आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात इनमें से बहुत से जो कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं वर्कर्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो सारे के सारे कानून हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं जो हमें मिले हुए हैं एज ए इंडियन, वो सारे अधिकार भी उसमें शामिल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं। अगर इन लॉज को कोई भी प्राइवेट ओनर वायलेट करता है तो उसे गवर्नमेंट द्वारा पनिश किया जाता है या उसको फाइन लगाया जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन विच इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच टेल्स अस दैट नो वन कैन फोर्स टू एनीवन टू वर्क ऑन अ वेरी लो वेजेस और डेली बॉन्डेज और अंडर बॉन्डेज। अर्थात जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, और इस अधिकार के तहत कोई भी प्राइवेट फैक्ट्री का मालिक या कोई भी व्यक्ति किसी भी इंडिविजुअल को मजबूर नहीं कर सकता है कि वो कम मजदूरी पर उसकी फैक्ट्री में उसके कारखाने में काम करे या उसको बॉन्डेज बना करके अर्थात बंधुआ मजदूर बना करके उसके साथ काम कराए। ये अगेंस्ट द लॉ है। नाउ अदरवाइज नो चाइल्ड बिलो 14 इयर्स शैल बी हायर और एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और एनी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ सरकार के द्वारा ये भी, संविधान के द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार के ऐसे कारखाने में या माइंस में, खदानों में या किसी भी ऐसे खतरनाक व्यवसाय वाले जगहों पर काम न कराए, जैसे केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह हो गए या कोई भी ऐसे मुश्किल जॉब्स करने के लिए मजबूर न किया जाए। इट इज गिवन बाई कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सम ऑफ द क्वेश्चंस गिवन ऑन द बोर्ड विच आर वेरी नेसेसरी दैट हाउ आर दिस लॉज प्लेड आउट इन प्रैक्टिस टू व्हाट एक्सटेंट डू यू डू दे एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ सोशल जस्टिस। अर्थात ये इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार से जो जो भी समाज में चीज़ें हो रही हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉज किस प्रकार से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और साथ ही साथ किस प्रकार से सोशल जस्टिस को लागू किया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और इन दिस चैप्टर वी शैल क्लियर सच क्वेश्चंस। नाउ सम ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन हियर। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस ओवर 12 मिलियन चिल्ड्रेन इन इंडिया एज बिटवीन 5 एंड 14 वर्क इन वेरियस ऑक्यूपेशंस इंक्लूडिंग हैजार्डियस वंस। बट इन अक्टूबर 2006 द गवर्नमेंट अमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट एंड बैनिंग द चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम वर्किंग इन डोमेस्टिक सर्वेंट्स और एज इन ढाबा। अर्थात जो चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट है 2006 के अकॉर्डिंग, उसमें ये गवर्नमेंट द्वारा अमेंड किया गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस प्रकार की किसी भी जगह पर काम करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा या काम नहीं कराया जाएगा। इफ एनी प्राइवेट ओनर्स शॉप्स डू दिस दे विल बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। आई होप यू हैव लिसन प्रॉपरली।
If you have any doubt, any problem, you can ask or comment on the WhatsApp number. Till stay safe, stay happy. Good luck.